गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपने चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में अभी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। कल मैंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है एल्युमिनियम इंडस्ट्री, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की तरह ये भी हैवी, मीडियम और लाइट इंडस्ट्रीज़ में गिना जाता है। इसके लिए भी काफ़ी बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। यह मुख्यतः उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाया गया जाता है। यानी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ इन क्षेत्रों में इस्टेब्लिश्ड हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इसके ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, इसके विकास को प्रभावित करते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ को आमतौर पे उस जगह इस्टेब्लिश किया जाता है जहाँ पर इसका जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से उपलब्ध हो, साथ में इसमें चीप लेबर की आवश्यकता पड़ती, सस्ता श्रम की आवश्यकता पड़ती, दूसरा बड़े घरेलू बाजार की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, एल्युमिनियम का जो उत्पादन हो रहा है उसका उपभोग या कंजप्शन जो है वो घरेलू मार्केट में ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि मैंने बाकी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए बताया कि अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है। अगला जो फैक्टर है वो है क्लोजनेस टू मार्केट, बाज़ार से नज़दीकी। यानी ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये अपने मार्केट से नज़दीक में इस्टेब्लिश हों ताकि आसानी से जो भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उसको सेल किया जा सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रेगुलर पावर सप्लाई। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की तरह एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ को भी रेगुलर पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जिनको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। इसलिए रेगुलर पावर सप्लाई भी एक फैक्टर है जो उसके ग्रोथ को इफेक्ट करता है।